आज से हम शुरू कर रहे हैं उर्दू, जिसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक उर्दू पढ़ना सिखाऊंगा। अगर आप लोगों से उर्दू का अलिफ भी नहीं आता तब भी आप बहुत अच्छी उर्दू पढ़ना सीख जाओगे, जिसके लिए आपको बस दो काम करने हैं। पहले तो आपको ये बुक्स लेनी है और दूसरे आपको रेगुलरली वीडियोज़ देखने हैं। हम यहाँ पर पार्ट टू पार्ट वीडियोस बनाएंगे, जैसे कि Part-1, उसके बाद Part-2, उसके बाद Part-3। तो आपको सभी वीडियोस को पार्ट टू पार्ट देखना है, लेकिन इससे पहले आपको ये बुक्स लेनी है। यहाँ पर ये है उर्दू का कायदा और यहाँ पर ये है उर्दू की 5 किताबें। ये उर्दू ज़बान की पहली किताब, उर्दू ज़बान की दूसरी किताब और ये उर्दू ज़बान की तीसरी किताब, ये उर्दू ज़बान की चौथी किताब और ये है उर्दू ज़बान की 5वीं किताब। अगर आपने ये 5 किताबें और ये कायदा पढ़ लिया तो दुनिया की ऐसी कोई उर्दू की किताब नहीं है जिसे आप बहुत ही आसानी और स्पीड के साथ न पढ़ पाओ। आपको किसी भी इस्लामिक बुक डिपो पे जाना है और वहाँ पर आपको बोलना है कि हमें उर्दू की 5ों किताबें चाहिए मौलवी मोहम्मद इस्माइल वाली। अगर आप कहोगे उर्दू की 5ों किताबें मौलवी मोहम्मद इस्माइल वाली, तो स्टोर वाला समझ जाएगा और वो आपको ये 5ों किताबें दे देगा। और साथ ही आपको ये कायदा भी लेना है, क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, ज़ीरो से शुरू करेंगे, तो उसके लिए ये कायदा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हर एक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या कैसे पढ़ना है और आपको क्या प्रैक्टिस करनी है। आपको बस वो गाइडलाइंस जो मैं आपको बताऊँगा फॉलो करनी है और आप बहुत ही आसानी के साथ घर बैठे उर्दू पढ़ना सीख जाओगे और आप उर्दू की कोई भी किताब बहुत ही आसानी के साथ पढ़ पाओगे। वैसे तो उर्दू ज़बान की और भी बहुत सारी किताबें हैं जिनसे आप उर्दू पढ़ना सीख सकते हैं, लेकिन इन किताबों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि अगर आपने ये 5 किताबें पढ़ ली तो आप दुनिया की कोई भी उर्दू की किताब बहुत ही आसानी के साथ पढ़ सकते हैं। उर्दू की ये 5ों किताबें और उर्दू का ये कायदा सब आपको एक साथ ही लेके रख लेना है, क्योंकि अगर आप एक लोगे उसके बाद यहाँ पर तो सबक चलता रहेगा तो हो सकता है कि आप दूसरी किताब न ले पाओ और आपका सबक छूट जाए। तो इसलिए आप पहले ही 5ों किताबें और ये उर्दू का कायदा लेकर रख लीजिए। तो चलिए हम आज का अपना पहला सबक पढ़ लेते हैं। पहले आपको उर्दू के हरूफ सीखने हैं। यहाँ पर उर्दू के सभी हरूफ दिए गए हैं। उर्दू में जितने भी लफ्ज़ होते हैं वो सभी लफ्ज़ इन्हीं हरूफ से मिलकर बनते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको इन हरूफ को याद भी करना है, पढ़ना भी सीखना है और आपको इनकी शक्लें अपने दिमाग में बैठा लेनी है। यहाँ पर ये है अलिफ, ये है बे। अरबी में इसको बा पढ़ते हैं लेकिन उर्दू में हम इसको बे पढ़ते हैं। यहाँ पर ये है पे, ये है ते, ये है टे, ये है से, ये है जीम, ये है चे, ये है हा या हे, ये है खा, ये है दाल, ये है डाल, ये है जा, ये है रॉ, ये है लॉ, ये है जे, ये है से, ये है सीन, ये शीन, ये सौद, ये जौद, ये तो, ये जौ, ये है आइन, ये है गैन, ये है फा, ये है कौफ, ये है काफ, ये है गाफ, ये है लाम, ये है मीम, ये है नून, ये है वाव, ये हा, ये भी हा और ये भी हा और ये भी हा। यहाँ पर हा को अलग अलग शक्लों में लिख कर के बताया गया है कि इतनी तरह से हा को लिखा जाता है। ये है लाम अलिफ, ये है हमज़ा,
ये है या और ये भी या। इनको आप रट लीजिए और इसके साथ साथ ही इनकी शक्लें अपने दिमाग में अच्छी तरह से बैठा लीजिए, जैसे कि बे, पे, ते, टे और से। ये सब देखने में बिल्कुल सेम है, लेकिन बे इसके नीचे एक नुक्ता होता है, पे के नीचे तीन नुक्ते होते हैं, ते के ऊपर दो नुक्ते होते हैं, टे में एक तौय होती है छोटी सी, और सा में या से में तीन नुक्ते ऊपर होते हैं। इसी तरह से जब उर्दू में इन हरूफ को मिला करके लिखा जाता है तो वहाँ पर ये अपनी इन शक्ल में नहीं रहते, बल्कि इनके नुक्तों से ही इनकी पहचान होती है। तो ये अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। इसके बाद जीम, चे, हे और खे, ये चारों बिल्कुल सेम हैं, लेकिन इनकी पहचान कैसे होगी? जीम इसके पेट में एक नुक्ता, चे इसके पेट में तीन नुक्ते, हे बिल्कुल खाली होता है, और ये खे इसके ऊपर एक नुक्ता होता है। तो इनकी पहचान नुक्तों से होती है, अगर खाली है तो हे, बाकी अगर नुक्ते हैं तो नुक्तों के हिसाब से जीम, चे, हे और खे पढ़े जाएंगे। बाकी यहाँ पर दाल, डाल और जा तीनों बिल्कुल सेम हैं, लेकिन दाल खाली होता है, जबकि डाल में एक छोटा तौ बना हुआ होता है इसके ऊपर, और जाल पर एक नुक्ता होता है। अगर कोई नुक्ता नहीं तो दाल, छोटी तौ बनी हुई है तो डाल, और अगर एक नुक्ता लगा हुआ है तो जाल। इसके बाद रे, ले, जे और से चारों बिल्कुल सेम हैं, लेकिन अगर खाली है तो रे, रे पढ़ा जाएगा, अगर इसके ऊपर छोटी सी एक तौ लगी हुई है तो ले पढ़ा जाएगा, अगर एक नुक्ता लगा हुआ है तो जे पढ़ा जाएगा, और अगर तीन नुक्ते लगे हुए हैं तो इसको से पढ़ा जाएगा। इसका इस्तेमाल बहुत ही कम होता है। इसके बाद सीन और शीन, देखने में बिल्कुल दोनों सेम हैं, लेकिन सीन खाली होता है, इस पर कोई नुक्ता नहीं होता, जबकि शीन पर तीन नुक्ते होते हैं। स्वाद और ज़ौद, ये दोनों भी देखने में सेम होते हैं, लेकिन स्वाद खाली और ज़ौद के ऊपर एक नुक्ता होता है। इसके बाद तौ और ज़ौ दोनों सेम हैं, लेकिन तौ खाली, ज़ौ पर एक नुक्ता। इसके बाद आइन और गाइन दोनों सेम, लेकिन आइन खाली कोई नुक्ता नहीं, और गाइन इसके ऊपर एक नुक्ता। तो नुक्ते से ही पहचान होगी कि ये आइन है या गाइन, नुक्ता नहीं है तो आइन, नुक्ता है तो गाइन। इसके बाद फा, इसके बाद काफ, ये भी काफ है लेकिन ये छोटा काफ है, ये काफ और ये काफ। इसके बाद ये गाफ, जैसे गमला तो उसमें जो गै यूज़ होता है वहाँ पर ये गाफ यूज़ होता है। इसके बाद लाम, मीम, नून, वाव, हा, ये भी हा, ये भी हा और ये भी हा। इसके बाद लाम अलिफ, देखिए यहाँ पर ये लाम है लेकिन जब इसको अलिफ के साथ मिलाया तो ये इस तरह से हो गया। बस आपको समझना है, और समझोगे आप तभी जब आप इस पूरे को रट लोगे और अपने दिमाग में आप इन सब की शक्लें बैठा लोगे। ये है हमज़ा, या और या। तो आपको इसको इस तरीके से याद करना है, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रा, अड़ा, जा, सा, सीन, शीन, सौत, जौत, तौ, जौ, आइन, गौइन, फा, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, 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 लाम अलिफ, हमजा, या। एक बार और सुन लीजिए, अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, चे, हे, खे, दाल, डाल, जाल, रा, ळा, जा, सा, सीन, शीन, सौत, ज़ौत, तौ, ज़ौ।
आइन, गौइन, फा, कौफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, 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 लाम अलिफ, हमजा, या। सो आज के लिए बस इतना ही। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से आप याद कर लीजिए, और याद करने से भी आगे बढ़कर आप इनकी शक्लों को अपने दिमाग में बहुत ही अच्छे तरीके से बैठा लीजिए कि क्या कैसा होता है। हम ये पांचों किताबें पढ़ेंगे, और अगर आपने ये पांचों किताबें पढ़ ली तो आप दुनिया की कोई भी उर्दू की किताब बहुत ही आसानी के साथ पढ़ सकते हो, ये मेरी गारंटी है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में भी बताया था कि हम सिर्फ ये पांच किताबें पढ़ेंगे, और इससे आप कोई भी किताब बहुत ही आसानी के साथ बस खोलोगे और उसको आराम से पढ़ सकते हो।